सुबह सुबह प्रभात वेले में, प्रभात वेला कौन सा होता है, 3:30 से लेके 5:30 बजे तक प्रभात वेला। यदि इतने टाइम में आप उठ जाते हैं तो साथियों एक काम जरूर करें, प्राणायाम। अरे जिंदगी का एक राज छुपा हुआ है, सेहत का राज छुपा है इसमें। कैसे करना है? 5 प्राणायाम, एक एक प्राणायाम का विधि समय जो आप पूरा लगाएंगे तो आप जिंदगी में पूरा स्वस्थ जीवन लंबी उम्र जी सकते हैं। कैसे? अरे स्वामी जी लोगों ने तो बहुत अच्छी तरह बताए हैं लेकिन मेरी विधि तो सबसे अलग है। प्राणायाम भी है और एक्सरसाइज भी है। कैसे? देखिए दोनों हाथ सामने कर लिए, भस्त्रिका, लंबा सांस लेना है, लंबा छोड़ना है। लेकिन जो विधि मैं बताने जा रहा हूं इसको करें। देखिए लिया छोड़ा, सांस भी ले रहा हूं छोड़ भी रहा हूं, भस्त्रिका है। इसकी 3 विधियां मैंने बनाई हैं, एक्सरसाइज भी है और ये एनर्जेटिक है। सांस भी पूरी गति से जाएगा, पूरी गति से आएगा। दूसरी विधि सांस की लेने की, स्वामी जी अपने तेजी तेजी दिखाते हैं उसको भी आपने देखा होगा, लेकिन तीसरी विधि में तेजी भी दिखा सकते हैं आप। लेकिन 3 काम है इसमें, हाथों की एक्सरसाइज है, कंधों की एक्सरसाइज है, कोहनियों की एक्सरसाइज है। कैसे? कम से कम 5 मिनट इसी प्राणायाम को करें, तेज गति से करना है। तेज आओ और तेज करना है। ये तो बहुत ही एनर्जी पैदा कर देता है। जो इतनी तेजी से कर लेता है उसके फेफड़े स्वस्थ हैं। किसी के संक्रमक है, इन्फेक्शन है, खांसी है, सांस है, नज़ला है, ये छाती के रोगों के लिए बहुत बढ़िया है। भस्त्रिका, भस्त्रिका का मतलब है सांस को लेना। दूसरा प्राणायाम, अब पहले मैंने सांस लेने की विधि बताई, अब इसका उल्टा भस्त्रिका। ये प्राणायाम 2 ही हैं, एक पूरक एक रेचक। पूरक में हम सांस लेते हैं, रेचक में हम सांस छोड़ते हैं। पूरक का नाम दे दिया भस्त्रिका, रेचक का नाम रख दिया कपालभाति। कपाल का मतलब है माथा, भांति का मतलब है चमका देना। अरे क्या बात है, वैसे इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसका फैट बढ़ा हुआ है, यदि वो अग्नि मुद्रा में प्राणायाम करेगा तो उसको ज़्यादा डबल लाभ मिलेगा। मुद्राएं कई हैं, कौन सा प्राणायाम कौन सी मुद्रा में करना है ये मेरे से सीखे। अग्नि मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, जिनको कमज़ोर हैं, खून की कमी है, ताकत नहीं है, वो पृथ्वी मुद्रा बना के बैठे। जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल कम करना है, जिन्होंने शरीर के अंदर से फैट कम करना है, वो अग्नि मुद्रा बना के बैठे। प्राणायाम तो आप कर ही रहे हैं, मुद्रा भी आप बैठा के
वायु मुद्रा बना के बैठे हैं तो वायु के रोग ठीक होंगे, लेकिन वायु मुद्रा में भस्त्रिका यदि आप बैठ के कर रहे हैं तो वायु मुद्रा, यदि एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो वायु मुद्रा बना के भस्त्रिका हृदय रोगी वाली ऐसे करें, सिंपल साधे, जो उसको ताकत भी लेनी है, पूरा एक्सरसाइज भी करनी है, पूरा लाभ लेना है, तो भस्त्रिका का जो तरीका, दोनों तरीके ठीक हैं। इस प्राणायाम में, कपालभाति में, विधि ठीक, समय ठीक, दो चीज़ें बहुत ध्यान दे, लेकिन आसन भी, कमर भी, कमर सीधी रहनी चाहिए प्राणायाम में, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे तो आपकी 20 मिनट आयु बढ़ जाएगी। कितना लाभ है। कपालभाति देखिए, मध्यम गति, मध्यम शक्ति, एक सेकंड में एक स्टॉप, इसको तेज भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी तेज़ी, यदि ज़्यादा तेज़ कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन हर एक के बस की बात नहीं है। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको बीपी प्रॉब्लम है, जिनको ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं करें, ठीक है। मैं तेज़ी से भी करके दिखा देता हूँ। ये 120 मिनट हो जाते हैं, एक मिनट में 120 स्टॉक कर देता हूँ मैं, 100-100 तो मामूली बात है, 60 और भी धीमा आप कर सकते हैं। मतलब तो है विधि ठीक कर रहे हैं, श्वास को फेंक रहे हैं। तीसरा प्राणायाम, वैसे अलोम विलोम प्राणायाम अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, लेकिन अलोम विलोम करके दिखा देता हूँ, लेकिन मैं जैसे मैं बताऊँगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम, वो एक प्राणायाम से 10 गुना ज़्यादा लाभ देगा। देखो, अलोम विलोम भी कर रहा हूँ, इसमें भी आप वायु मुद्रा बना सकते हैं, ये तो आप 5 मिनट कर सकते हैं बड़े आराम से। इसका भी वही फायदा है जो नाड़ी, लेकिन नाड़ी शोधन इससे ज़्यादा फायदा करेगा। कैसे, देखिए, इसके दो तरीके हैं, वो उंगली ये मोड़ भी लेते हैं, ये दो सीधी कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, विधि अपने अपने हाथ है। वैसे इन उंगलियों को माथे पे रख लेंगे तो ध्यान की भी बनेगी, जीभ को तालू के साथ लगा लेंगे तो नाड़ी शोधन प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ। नाड़ी शोधन का मतलब है सभी अंगों का प्राणायाम का राजा है, ये सारे प्राणायाम आ जाते हैं, पूरक भी आ जाता है, रेचक भी आ जाता है, आंतरिक कुंभक भी आ जाता है, बाह्य कुंभक भी आ जाता है। कुंभक भी हैं हमारे दो, और आंतरिक कुंभक में अंदर सांस रोकना है, बाहरी कुंभक में बाहर सांस रोकना है, इसमें सारे प्राणायाम आ जाते हैं। देखिए, बाहीं नासिका से लंबा गहरा सांस लेना जितना आप ले सकते हैं, फिर दोनों नासिका बंद कर देनी है, फिर दाईं नासिका से सांस को धीरे 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 छोड़ना है, फिर हल्का सा रुक जाना है, फिर दाईं नासिका से सांस को लेना है, दोनों नासिका बंद करके रुकना है, बाईं नासिका से सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। देखिए,
ये एक चक्कर हुआ है, कम से कम 10-11 चक्कर पूरे करें, नहीं तो 5 तो जरूर करें। ना अलोम विलोम के बाद भी कर सकते हैं, अलोम विलोम कर लिया आपने 5 चक्कर, इसके भी करें। ये जल नेति का काम करता है। जल नेति हर एक से नहीं होती, नाक से पानी निकालना और छोड़ना। साथियों, जितनी भी इन्फेक्शन डिजीज़ हैं हमारे यहाँ पे कीटाणु इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो जब अंदर शरीर में आ जाते हैं तो हमें रोगी कर देते हैं। ये क्या करता है, उन कीटाणुओं को मारता है। सिर दर्द है, बीपी है, शुगर है, हार्ट है, इससे तो बहुत लाभ है। जल नेति का काम, जिनके माइग्रेन रहती है, आधे सिर का दर्द रहता है, जिनके हाई ब्लड प्रेशर रहता है या लो है, सबको ठीक करता है। ये नाड़ी शोधन सर्वांग प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम सब प्राणायाम का राजा है। अगला प्राणायाम भ्रामरी। भ्रामरी दो विधि से करता हूँ मैं, मेरी विधि अपनी भी है, मैं ध्यान से करता हूँ, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम का अपना विधि है। कानों को अंगूठे से बंद कर दिया, पहली उंगली भवों पे लगा दी, दूसरी दो उंगलियां आँखों के साथ, तीसरी उसके साथ, जीभ को तालू के साथ, गहरा लंबा सांस भरना है और छोड़ना है। देखिए, एक बार और करूँ, इसको कम से कम 5 बार तो करें। लेकिन जैसा मैं नाड़ी शोधन भ्रामरी प्राणायाम बता रहा हूँ, वो ध्यान भी है, एकाग्रता भी है, और आप ज़्यादा देर भी कर सकते हैं। भ्रामरी ध्यान भी है। कैसे है, आपने आंखें बंद कर ली, अपनी उंगलियों को सारी को मिला लिया, जीभ को तालू की तरफ लगा लिया, लंबा गहरा सांस लेना है, ऐसे प्राणायाम करने से हाथ थक जाते हैं। कई महात्मा देखे हैं जब ये प्राणायाम करते हैं सारे अंगों को बंद करके, तो नीचे एक स्पोर्ट सी लगा लेते हैं। लेकिन इस प्राणायाम में ये ध्यान भी है और प्राणायाम भी है। आपको एकाग्रता बनेगी, इम्यूनिटी बनेगी, लाभ ज़्यादा मिलेगा। अपनी विधि है। अब 5वां प्राणायाम, इसके बीच में 2 प्राणायाम और आते हैं, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक, वो भी मैं दिखा के रखूँगा। देखिए, ये ज्ञान मुद्रा बनानी है, ज्ञान ध्यान मुद्रा है। ओ एक शब्द है, एक गूंज है, इसको सुनना भी अच्छा है, बोलना भी अच्छा है, ध्यान भी है। ये इसको आप सोते हुए करेंगे, नींद अच्छी आ जाएगी, बैठ के करेंगे, चौकड़ी मार के करेंगे, ध्यान अच्छा लगेगा। फिर आंखें बंद करके अपने ही श्वास को देखते रहें। ये तो 5 प्राणायाम ऐसे है जिसे आप प्रतिदिन अपना एक नियम बना लें, एक संकल्प कर लें। अरे, इससे संकल्प शक्ति बढ़ती है। यदि आपने संकल्प कर लिया कि मैं प्रतिदिन सुबह अमृत वेले में उठूँगा, प्रभात वेले में उठूँगा और 5 प्राणायाम जरूर करूँगा,
लेकिन इसके साथ दो प्राणायाम और जुड़े हैं, आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक। देखिए आंतरिक कुंभक करके दिखाता हूँ। आंतरिक कुंभक का मतलब है अंदर सांस को रोकना। ये मैंने जो हाथ ऊपर उठाए हैं ये दो तीन काम कर रहा है। क्या कर रहा है? यदि आप बाहर धूप में बैठे हैं, ये आपके हाथों में आकाश तत्व का प्रवेश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप आकाश को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्वत आसन भी है। तीसरा है श्वास को अंदर रोका हुआ। साथियों इसको तीन चार बार कर लिया करें, बाह्य प्राणायाम तो और ज़्यादा लय देगा। देखिए विधि मैं बताता हूँ। गहरा लंबा सांस लेना है, पूरा सांस छोड़ देना है। तीन बंद हैं हमारे बीच में, जलंधर बंद, ठोड़ी को छाती के साथ लगा लें, जलंधर बंद बन जाता है। उड्यान बंद, पेट को अंदर खींच लें, उड्यान बंद बन जाता है। मूल बंद, गुदा स्थान को खींच लें तो मूल बंद बन जाता है। इस प्राणायाम तीनों विधियां आ जाती हैं। कैसे? देखो गहरा लंबा सांस लेना है, पूरा सांस छोड़ देना है, फिर तीनों बंद लगाने हैं। विधि ठीक हो, यदि आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो गहरा लंबा सांस लें और सिर्फ धीरे धीरे छोड़ दें। फिर ऐसे कर लें। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है एक और विधि जो आम महात्मा लोग बताते हैं। वैसे वो एक क्रिया है, अग्निसार क्रिया। उससे हमारी जठर अग्नि शांत होती है। देखिए क्रिया क्या है। विधि तो यही है, गहरा लंबा सांस लिया, पूरा सांस छोड़ दिया और पेट को अंदर बाहर खींचना है। मेरे उसे ज़्यादा तो वो नहीं आता, लेकिन पेट को जितना चला सकते हैं चलाएंगे, इससे आपको पेट ठीक लगेगा। देखिए ये करना कपालभाति के बाद है। प्रतिदिन कम से कम एक घंटा अपने जीवन में, अपनी लाइफ को जरूर देता हूँ। आज मैंने आपको पूरा जो प्राणायाम का स्तर है वो मैंने करके दिखाया है, एक एक शब्द बताए हैं। विधि आप अपने सबसे कर सकते हैं, इजी भी कठिन भी, दोनों बता दिए हैं। आप करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों इस वीडियो को शेयर भी करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।